दोस्तों, जब से वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा अवेलेबल हुई है, तब से हम इंडिया में कहीं भी सरकारी राशन शॉप की दुकान पे अपने राशन कार्ड के नंबर और फिंगर की मदद से राशन उठा सकते हैं, यानी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हमें अपना राशन कार्ड मालूम होगा तभी हम राशन उठा सकते हैं, यानी कहीं भी इंडिया के किसी भी प्रांत में कहीं से भी राशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपना राशन कार्ड नंबर कैसे प्राप्त करेंगे अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल में जो भी ब्राउजर होगा उसे ओपन कर लेंगे। हमारे मोबाइल में क्रोम ब्राउजर है, तो मैं क्रोम ब्राउजर अपना ओपन कर रखा हूँ। और सर्च बार में टाइप करना है अपने स्टेट का नाम और राशन कार्ड। तो मैं यूपी से हूँ, तो मैं टाइप करूँगा यूपी राशन कार्ड। सेम स्टेट, सभी स्टेट में सेम प्रोसेस है। उसके बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी रीडायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें हमें अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट करना है, ढूंढना है कि हमारा ज़िला कौन सा लगता है, और उस पर क्लिक करना है। तो मैं अपने ज़िले पर क्लिक करूँगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप कि एक नगरीय क्षेत्र और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र नीचे दिखा रहा है। तो आप जहां से बिलोंग करते होंगे उसमें आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा। तो मैं ग्रामीण से हूं, तो मैं ग्रामीण वाले में अपना ब्लॉक सेलेक्ट करूंगा। आप जहां से भी होंगे तो उस एरिया में अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर नगरीय क्षेत्र से होंगे, टाउन या कस्बा से, तो आप नगरीय क्षेत्र में सेलेक्ट करेंगे। अगर आप देहात यानी गांव से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण वाले क्षेत्र पे सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम अपना ग्राम सभा सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं अपना ग्राम सभा सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं राशन कार्ड लिखा हुआ है, पात्र गृहस्थी राशन कार्ड लाभार्थी। अब यहाँ पे समझना है दोस्तों, पात्र गृहस्थी और अंत्योदय दो प्रकार का कार्ड है। तो आपका जो भी कार्ड होगा उस हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। अगर पात्र गृहस्थी का कार्ड होगा तो पात्र गृहस्थी वाले में ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे, और अंत्योदय कार्ड होगा तो अंत्योदय वाले पर सेलेक्ट करेंगे। आपको ब्लू कलर में नंबर लिखा होगा कि आपके ग्राम सभा में कितने राशन कार्ड हैं। तो ब्लू कलर वाले नंबर पर टिक करना है, कितने भी राशन कार्ड होंगे वो शो कर रहा होगा, उस पर हमें क्लिक करना है। तो मैं अपने ग्राम सभा के नंबर पर क्लिक कर लेता हूँ कि कितने राशन कार्ड हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ इंटरफेस होगा। हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और अपने राशन कार्ड के मुखिया का नाम सेलेक्ट करेंगे इसमें। तो चलिए मैं अपने राशन कार्ड के मुखिया का नाम ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ही दोस्तों हम अपने राशन कार्ड के मुखिया का नाम ढूंढ लेंगे, तो साइड में आपको ब्लू कलर में कुछ नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे हमें क्लिक कर लेना है इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कि डिजिटल राशन कार्ड संख्या, इसी के साइड में दोस्तों हमारे राशन कार्ड की संख्या यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। हमारा राशन कार्ड का प्रकार क्या है, पात्र गृहस्थी। कोटेदार का नाम क्या है, आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। दुकान संख्या क्या है, वो भी आप देख सकते हैं। धारक का नाम देख सकते हैं। पिता या पति का नाम चेक कर सकते हैं। फिर उस माता का नाम भी चेक कर सकते हैं, धारक के माता का नाम। कुल कितने सदस्य हैं राशन कार्ड में, वो संख्या भी देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो सारा विवरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप भी अपने राशन कार्ड का नंबर
यहाँ से डिजिटल राशन कार्ड संख्या देख रहे हैं, इस साइड में दिखा रहा नंबर, आपके राशन कार्ड का नंबर यही है। तो इस प्रकार से आप भी अपने राशन कार्ड का नंबर निकाल सकते हैं और इंडिया में कहीं भी आप अपने राशन कार्ड की संख्या और फिंगर की मदद से इंडिया में कहीं में भी आप किसी भी स्टेट में अपने राशन कार्ड की संख्या और फिंगर की मदद से राशन ले सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। और आप चाहो तो हमें फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पर फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से दोनों जगह हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।